नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए रोल की रेसिपी लेके आई हूँ और देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इन्हें मैंने बहुत ही कलरफुल बनाया है, तो इस रक्षाबंधन अपने छोटे भाई या बड़े भाई या बहन के लिए इन रोल को ज़रूर बनाएं। देखें कितने सुंदर और बढ़िया दिख रहे हैं। बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं किन किन सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर कच्ची मूँगफली ली है और ये पूरी 1 कप है। मूंगफली को हमें रोस्ट करना है। इस तरह से चलाते हुए हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। आप इसकी जगह भुनी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केट में भुनी हुई आती है बिना छिलके की, तो वो भी आप ले सकते हैं इसे बनाने के लिए, और इस रेसिपी को बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। अब हम मूंगफली को इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि ये भुन जाए। भुन जाने पर बहुत ही चटचटकी से आवाज़ आएगी, कई मूँगफलियाँ इससे खुली खुली दिखेंगी, लेकिन हम फिर भी इसे हाथों से चेक कर लेंगे। इस तरह से इसका छिलका साफ़ होना चाहिए। मूँगफली हमारी भुन गई है और ठंडा करके हमने इसे साफ़ कर लिया है। लाल वाला छिलका हमने हटा दिया है इसका। इसी तरह की मूँगफली हमें चाहिए है रेसिपी बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पर 1 जार ले लिया है और भुनी हुई मूँगफली को इस जार में डाल देंगे, और एक अच्छे टेस्ट के लिए साथ में मैं इसमें काजू ऐड करने वाली हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। 20 से 25 काजू मैंने यहाँ पे लिए हैं। अगर आप चाहें तो काजू को डालें, अगर ना चाहें तो इसे बिल्कुल भी ना डालें। मूंगफली बस से भी इसे बना सकते हैं आप। अब हम इसे छान लेंगे। इसे पीसते समय बहुत ध्यान से हमें पीसना है। मिक्सी को हमें एक साथ नहीं चलाना है, रोक रोक कर ही हम चलाते हुए इसे पीसेंगे और फिर इस तरह से छान लेंगे। इसका जो पाउडर है इसी से आज हम रेसिपी बनाएंगे। और देखें, बचे हुए पार्ट को आप दोबारा भी पीस सकते हैं और साइड कर दीजिए इसे। अब मैंने यहाँ पे फिर से पैन ले लिया है। 1/2 कप हम चीनी डालेंगे। जिस कप से हमने मूंगफली नापी थी उसी कप से हमने चीनी नापी है, और 1/2 कप ही हम पानी डाल देंगे। और रेसिपी पसंद आने पर आप हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। और देखें, ये गाढ़ी दिखने लगी है, तो अब हम इसे चेक करेंगे। जब इसका एक तार बनने लगे तो हमारी चाशनी परफेक्ट तैयार हो जाएगी। बस हमें एक तार की ही चाशनी इसके लिए चाहिए। उंगली पे लगाएंगे तो बहुत ही गाढ़ी दिखेगी और इसका एक तार इस तरह से बनता रहेगा। बस चाशनी को हम इतना ही पकाएंगे। और जो मूंगफली काजू हमने पीस के रखे हैं इसे मिलाएंगे, तो आधा मैंने डाल दिया है और दोबारा मैं भी आधा डाल दूंगी ताकि इसमें गुलठे ना पड़े। और सारा पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह इसे चलाते रहेंगे, या फिर जब तक हम इसे चलाएंगे ये अच्छे से थिक ना दिखने लगे। और देखें, ये काफ़ी थिक दिखने लगा है, तो 1 मिनट के लिए हम इसी तरह चला चला कर इसे भून लेंगे। और इसी तरह हमें इसे भूनकर तैयार करना है। अब हम इसे उतार कर ठंडा करेंगे, तो इसके पहले हम पैन में थोड़ा सा इसे और चला लेंगे। अब हम इसे इतना ही चलाएंगे और निकाल लेंगे एक प्लेट में। अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो फिर हम इसके रोल नहीं बना पाएंगे, तो इसी तरह का सॉफ्ट डो हमें लगाना है। अब हम इसमें कलर मिलाने वाले हैं, और इसकी 2 पार्ट हमने छोटे छोटे किए हैं और 1 बड़े साइज का पार्ट कर लिया है। और यहाँ पे खाने वाला फ्रूट कलर लिया है जिसे हमने मिला दिया है। इससे बहुत ही कलरफुल आएंगे, तो एक में मैंने लाल वाला मिलाया है और एक में मैं हरा वाला मिलाऊंगी या फिर पीला वाला। तो मैं यहाँ पर 3 कलर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसमें लाल और पीला मिला लें और एक को बाइट ही रख सकते हैं, मतलब जो कलर है इसका इसी तरह बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 3 में कलर मिला रही हूँ। और इसी तरह से इसे मिला लेंगे। और देखें, 3 हमने डो बनाकर तैयार कर लिए हैं।
अगर आपको लगे ये हाथों पे चिपक रहा है तो हल्का सा तेल या घी लगा लें, वरना तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका बहुत ही आसानी से इस तरह से रोल बन जाएगा। तो एक मोटा रोल हम इस पर बना लेंगे। अब इसे साइड रख देंगे और लाल बालक का भी हम रोल बना लेंगे। तो इसे पतला बनाएंगे, जो पहले वाला रोल है वो ज़्यादा मोटा रखेंगे और इसे पतला रखेंगे और इसी के ऊपर सेट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे तोड़कर निकाल देंगे। अब एक और हम रोल बना लेंगे। तो हम यहाँ पे पीले वाले से भी बना लेते हैं। हमारा एक और चैनल है माँ बेटी किचन स्टार, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी रेसिपी को शेयर भी कर सकते हो। और देखें, इसका भी हमने रोल बना लिया है। तो इस तरफ से हम इसको पीछे तरफ चिपकाएंगे, एक आगे तरफ एक पीछे तरफ, दोनों तरफ हमने इसको चिपकाना है। और बस इसे चिपकाने के बाद हाथों से एक बार फिर से हम इसको रोल कर देंगे। इस तरह से जितना पतला मोटा रोल आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो मैं इसे काफ़ी पतला रख रही हूँ, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसे मैंने चाकू से कट कर दिया है और इस तरह से पतले पतले रोल बना रही हूँ। इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया है ताकि ये छोटे हो जाएं और बनाने में आसान रहे। और एक तरफ का हम पकड़कर इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और एक पीछे की तरह। और देखें, इसमें अपने आप ही बहुत ही बढ़िया डिजाइन आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा भी फोल्ड कर लेंगे। इसे हाथों से पहले एक सा कर लेंगे और बस इसे रखेंगे हाथ से और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सारे रोल हमें इसी तरह बनाकर तैयार करने हैं। और देखिए, इसी तरह हम घुमा घुमा पर इसको डिजाइन एक आती जाएगी इसके ऊपर, देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे ये। अभी आपको ये लग रहे होंगे कि बहुत ही चिपचिपी है और ये सूखेंगे कि नहीं, तो ठंडे होने के बाद अपने आप ही सूख जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये चिपचिपे रहेंगे। आप इनको काट कर इस तरह से रख दीजिए, ये अपने आप ठंडे में टाइट हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। क्योंकि ये ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो फिर कटेंगे नहीं, इसलिए मैंने इन्हें तुरंत ही काट लिया है। और इन रोल को आप स्टोर भी कर सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो बिना फ्रिज के ही आप इन्हें 10 से 12 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और मिलेंगे और नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।